The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. सो so, नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन चैनल और जैसा कि आप जानते हैं हम आपको हेल्थ और हेल्थ के बारे में सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में देते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे कि कोरोना कब जाएगा क्वाइट फ्रेंकली कोरोना अब नहीं जाने वाला इतनी जल्दी तो नहीं जाने वाला कम हो जाएगा लेकिन पूरी तरह से नहीं जाने वाला है सो so, इसी लिए आप लोगों को दो तीन कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी है आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना के साथ जीना कैसे है ये डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट या आप कह लीजिए डायरेक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो रिकमेंडेशनस हैं सो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये आपकी गवर्नमेंट आपको कह रही है और उससे पहले आपको ये समझना है कि भाई साहब ए सिम्टोमेटिक केसेस घूम रहे हैं जो इंडिया भर में है कहीं भी हो सकते हैं आपके बगल में आपके घर में आपके गली में आपके ऑफिस में आपके कहीं भी हो सकते हैं सो ए सिम्टोमेटिक केसेस का मतलब यह है कि आपके अंदर कोरोना वायरस है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है याद रखिए कोरोना वायरस एक हेल्दी साठ साल से नीचे वाले में जब भी जाएगा तो नब्बे से पचानवे प्रतिशत चांस होते हैं नब्बे से पचानवे नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट की उसको कुछ खास सिम्टम नहीं होंगे माइनर सिम्टम हो सकते हैं जितने सर्दी खांसी जितने वाले सबको रहते हैं थोड़े बहुत तो नाइन्टी एटी टू नाइन्टी परसेंट नो सिम्टम्स फाइव टेन परसेंट थोड़े बहुत सिम्टम्स सिर्फ फाइव परसेंट केसेज में थोड़े सीरियस निमोनिया होंगे तो ये जो नो सिम्टम वाले एटी टू नाइन्टी परसेंट वाले नो सिम्टम है ये होते हैं एसिम्टोमेटिक केसेस मतलब उनके अंदर कोरोना वायरस है पनप रहा है और वो उस बीच उसको फैला रहे हैं लेकिन वो खुद बीमार नहीं हो रहे वो खुद कोरोना वायरस से मरेंगे नहीं कुछ नहीं होगा वो ठीक हो जाएंगे अपने आप आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों कभी एक हफ्ता कभी कभी दो हफ्ता हफ्ता तीन उनके अंदर रह सकता है कोरोना वायरस डिपेंडिंग अपॉन आपकी इम्यून सिस्टम उसको कितना टमेल है मारने के लिए लेकिन उस बीच वो फैलाएंगे इसीलिए आप सुरक्षित रह सकते हैं अगर आप ये मान के चले कि हर इंसान को कोरोना है हर इंसान को कोरोना है मान के चल लो नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन सेफ्टी फर्स्ट तो आज हम आपको बताएंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है हर मेंबर की है लेकिन आज ये बातचीत घर के जो मुखिया है जो घर की लेडी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है हर एक चीज में क्या क्या करना है कैसे कैसे करना है इसको बताएंगे सबसे जरूरी बात ऑब्वियस बात है लॉकडाउन है घर से मिनिमम या जब जरूरत हो तभी निकलना है सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत होती है आपकी मार्केट जाने की सो वेन यू आर विजिटिंग द मार्केट आपको जरूर 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 आपको एक मास्क पहनना है या फेस को कवर तो जरूर करना है नाक और मुंह को कवर करना जरूरी है राइट उसके अलावा आप खुद से बाहर जाते समय खुद से घर से अपना प्लास्टिक का आ, स्लिपर पहन के जाएंगे थैला समझ थैले की बात भी आएगी लेकिन आपको फिलहाल प्लास्टिक का स्लिपर पहन के जाना है जो घर आके आप धोएंगे ये बहुत जरूरी है मास्क पहन के जाना है और प्लास्टिक ऐसे वॉशेबल स्लीपर या वॉशेबल शूज होने चाहिए जो घर आके आप धोएंगे उसके बाद आपको ऑब्वियस सी बात है बाहर जो है छः फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है मार्केट में भी शॉपकीपर से भी सब्जी वाले से भी सबसे इन्हें उसके अलावा छः फीट का डिस्टेंस मेंटेन करने के अलावा किसी भी अननेसेसरी चीज़ को टच नहीं करना है किसी चीज़ को टच करना है, जरूरी है तो करो अननेसेसरी है टच नहीं करो अननेसेसरी मुंह को हाथ नहीं लगाना अपने साथ में अल्कोहल वाला 70 से 70 परसेंट अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइजर रखना है जब भी आपको लगे कि आपने किसी सस्पिशियस चीज को हाथ लगाया है तो हाथ साफ करवा लीजिए ठीक है बिकॉज आपको नहीं पता आप कब मुंह को हाथ लगा लेंगे जो तो पता नहीं रहता इसलिए हाथ साफ करें और उसके अलावा कोई भी मटेरियल चीज है कोई भी चीज़ है उसको अपने शरीर से दूर रखना है इसके लिए कोशिश करें कि घर से ही आप एक थैला लेके जाएं जी हाँ अगर आप कोई सामान लेके जा रहे हैं तो घर से ही थैला लेके जाएं और उस थैले में आप दूर रख दें कि भाई ये ले डाल दे भाई इसमें जो डालना है वो वो सामान और फिर वो थैला उठा लें और इस तरह से आप मिनिमम मिनिमम एक्सपोजर रख सकते हैं खासकर रेड जोन वाले लोगों को ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से सभी को फॉलो करना है रेड येलो ग्रीन वट इट इज ऑरेंज वाला या फिर ये ग्रीन वाला सो ट्राई टू कीप दिस थिंग्स आल्सो ऐसे नहीं कि एकदम चिपका चिपका के ये भी लूंगा वो भी लूंगा ऐसा जब भी पाप के सामान उठा रहे हैं, हाँ एक ये एक ये एक ये, 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 ये ऐसा नहीं उठाना है ठीक है प्रॉपर दूर से उठाना है अपने शरीर को जितना हो सके कम टच करवाना है चीजों को राइट right. बकेट में रखो जो आप घर से लेके आओ बकेट को फिर जाके घर पे अपना सैनिटाइज कर लेंगे वट इट इज नो बिग डील ठीक है तो ये हुई बात फिर अगर आप ए में जा रहे हो पैसे निकालने तो ए में की को टच करने से पहले की को सैनिटाइज करो कार्ड को इस्तेमाल कर लो और उसके बाद में ए यूज करने से पहले और ए यूज करने के बाद अपने हाथ को एल्कोहल से सैनिटाइज जरूर करो अपने घर से बाहर मार्केट में तभी निकलना जब जरूरत है वरना नहीं निकलना ठीक है आपको घर के अंदर फिर बता रहा हूं फिर बता घर के अंदर मास्क पहनने की जरूरत नहीं है अनलैस एनटिल आपको खांसी है आपको सिम्टम है सिम्टम है खांसी है तो आप पहनोगे उसके बाद मार्केट में अगर पेमेंट कर रहे हो कोशिश करो डिजिटल पेमेंट करो जो भी है गूगल पे पेटीएम भीम ऐप वॉट एवर इट इज डिजिटल पेमेंट करो पेपर करेंसी कम से कम इस्तेमाल करो अगर आप ये गवर्नमेंट की तरफ से बोला है कि पेपर करेंसी शॉपकीपर से लो ही मत ठीक है लो ही मत सिंपल सा चीज है पे करो अगर आप ले रहे हो तो मेक श्योर sure करो कि आपने लेके अपने जेब में रखा है उसके बाद हाथ सैनिटाइज कर लिया घर जाके वो पैंट वैंट निकाल के धो के रख दो और वो जो पैसे है उसको बाहर ड्रॉर में रख दो कहीं पे दो दिन बाद निकालना चार दिन बाद निकालना पैसे के का अगर वैसा है तो ऐसे करो ठीक है और अगर आप किसी को देते हो तो याद रखो पूरा पैसा दो चिल्लर वापस मत लो एन एनी सर्कमस्टेंसेस याद रखो ये मान के चलो हाथ में जो भी लग रहा है उसमें कोरोना हो सकता है हो ना हो मानने में कोई नुकसान नहीं है समझे वो इम्पोर्टेंट है आप अपने घर में जितने भी कपड़े हैं कपड़े धो के उसको आयरन करना आयरन से आय और करेंसी को भी आयरन कर सकते हो नोट को आयरन कर सकते हो उससे भी कोरोना वायरस जो है मर जाता है राइट और जो लोग मार्केट में जाते हैं आ, उनको जो भी कपड़े पहनते हैं घर में आने घर में घुसने के बाद में कपड़े जो है धोने में डाल देना है नहा लेना है या एटलीस्ट हाथ पैर अच्छे से धो लेना है नहा लो ज़्यादा बेहतर ठीक है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर साबुन पानी से नहाना है करंसी के ऊपर नोटों uh, के ऊपर अल्कोहल स्प्रे मत करना कॉइन के ऊपर कर सकते हो कॉइन के ऊपर अल्कोहल स्प्रे कर सकते हो साबुन पानी से धो सकते हो पब्लिक में लिफ्ट या, या यूज मत करो पब्लिक में कोशिश करो कि स्टेरकेज यूज कर लो अगर लिफ्ट को यूज कर भी रहे हो तो लिफ्ट के जो बटन है उसको सैनिटाइज करना है फिर उसको टच करना है हाथ उसके बाद अपना खुद का सैनिटाइज कर लेना है याद रखिए लिफ्ट में आ, उसमें अपने या भी ऐसा कर सकते हो कि अपने जेब में पेपर पीस रख लो पेपर से बटन दबा लो ये ज्यादा अच्छी चीज है उसके अलावा लिफ्ट में ज्यादा लोग एक साथ ना हो जितने लोग हो छ फीट की दूरी मेंटेन करके रखें तो छोटी मोटी लिफ्ट में एक एक अकेला अकेला ट्रैवल करे उसके अलावा घर का एंट्रेंस जब भी घर में एंटर होते हैं किसी भी चीज़ को दरवाज़े को हाथ मत लगाए घर के मेंबर को आवाज़ दें या आप एक पेपर से बेल दबाएं या हैंड uh, सैनिटाइज़ करके बेल दबाएं और दरवाजे को हाथ ना लगाएं उनको दरवाज़ा खोलने दें जो भी आप बाहर से लेकर आए हैं वो जो भी मटेरियल है डेडिकेटेड प्लेस उसकी बनाएं और उसको एक या तो घर के ब्रांडे में या बाहर या घर के अंदर एक अलग जगह पे रखें जहां लोग हाथ ना लगाएं आपने जाके फिर अपना हाथ धोना है अपना साबुन पानी से बढ़िया 20 सेकंड के लिए अपने अपने कपड़े डिटर्जेंट वाले में डाल देने हैं साबुन पानी में नहा लेना है अपना हाथ प्लास्टिक शीट स्लीपर जो है उसको डिटर्जेंट से प्लास्टिक स्लीपर को धोना है ये तरीके से और जो सामान लाए हैं अगर वो सामान एक तो सब्जी भाजी है फ्रूट है उसको आपने थोड़े पानी में डुबो के रख लीजिए उसमें नमक डाल लो उसमें बेकिंग सोडा डाल लो आधा घंटा रख लो फिर धो लो ये भी कर सकते हो या सिंपल रनिंग वाटर में गर्म पानी या नॉर्मल पानी में धो लोगे तो भी 99% परसेंट वायरस 99% परसेंट चीजें खत्म हो जाती हैं उसके बाद जो खाओगे पका के खाओ कोई सलाद वलाद है तो उसको ऊपर की परत निकाल के छील के फिर खाओ बस इतना काम करना है तो इससे आपको नहीं होगा राइट कोई भी साबुन पानी से खाने वाली चीज को डायरेक्ट नहीं धोएंगे खाने वाली चीज़ के ऊपर की जो पन्नी है पन्नी को साबुन पानी से धो सकते हैं जैसे दूध के पैकेट को फिर दूध को उबाल के पिए ये इंपॉर्टेंट है ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी याद रखें या अगर मान लो कोई आता है आपके घर में भी प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक सो मेक श्योर करें कि उनको खांसी नहीं है उनको मास्क पहना हो मेक श्योर करें कि उन्होंने मास्क पहना हो और आते समय घर में उनका हैंड सैनिटाइज कर लो ठीक है चाहो तो आप घर में अपना डिजिटल थर्मोमीटर वो रख सकते हो कि ऐसा बाहर से लोगों से दिखा भाई तेरे को तेरे को बुखार तो नहीं है ऐसा भी कर सकते हो दैट इज अप टू यू दैट इज एन ऑप्शन राइट हैंड सैनिटाइज करना है उनको अननेसेसरी किसी भी चीज़ को टच करने नहीं देना है और जहां जहां जो जो चीज़ में उन्होंने काम किया है उनके जाने के बाद उन चीज़ को आपने सैनिटाइज करना है घर को डिसइंफेक्ट करने के लिए आपने 2% परसेंट डिटर्जेंट सोल्यूशन दो परसेंट जीरो पॉइंट टू परसेंट लाइजोल या फिर डेटॉल या थ्री परसेंट सेवलॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं जमीन को टेबल को डेली आपने उसको साफ सफाई करनी है मेन डोर हैंडल को भी आपने अपना अल्कोहल से सैनिटाइज़ करना है किचन को भी आपने ध्यान से डिश वॉशिंग सोप से लिक्विड से सैनिटाइज करने हैं उसको डिसइनफेक्शन अलग से यूज़ नहीं करना डिश वॉशर से साफ करना बहुत है कपड़ों को नॉर्मल अपने कपड़ों में पानी से धो लें उसके बाद में आ, उसको धूप में सुखा लें उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है टॉवल को डेली साफ करें टेली धोएं। हाथ को धोने के लिए 20 सेकंड बहुत अच्छे हैं सबसे अच्छा साबुन पानी नहीं है साबुन पानी तो धो सकते हैं अल्कोहल से सैनिटाइजर फ्रीक्वेंटली यूज करें अगर बाहर है घर के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज करने की जरूरत नहीं है घर के अंदर जो फ्रीक्वेंटली टच वाली चीज़ है उसको यूज करें अगर कोई बीमार है तो वो क्वारंटाइन रूम में रहें और वो अपना क्वारंटाइन फॉलो करें जो सिंपल तरीके बताए गए हैं पहले आपको दूसरे वीडियो में फिर से हमने आपको बता दिया है कि आ, आ, पैकेज मिल्क और साबुन पानी को कैसे सैनिटाइज करना है फूड मटेरियल जो भी आपके अनपैकेड फूड है जो भी है उसको आपने क्या करना है घर से बाहर रख दो जो भी खराब नहीं होने वाला उसको 72 टू आवर्स तीन दिन के लिए रख दो उसके बाद अंदर ले आना घर से बाहर मतलब ऐसा कोई स्टोर रूम में राइट right? जो जो इमिजिएट यूज करने वाले है उसको पका के खाओ कच्चा मत खाओ राइट दैट इज देयर 72 टू आवर्स बोला गया तीन दिन एवरेज मान के चलो बट देन फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि भाई ये जो वायरस है एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम के ऊपर दो से आठ घंटे तक रहता है वुड के ऊपर चार दिन प्लास्टिक के ऊपर चार दो से पाँच दिन मेटल के ऊपर पाँच दिन पेपर के ऊपर तीन घंटे से लेके पाँच दिन तक सेरामिक पाँच दिन स्टील दो से अट्ठाईस दिन तक रह सकता है स्टील के ऊपर और ग्लास के ऊपर पाँच दिन तक रह सकता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इम्यूनिटी बूस्ट करिए अपनी एक्टिविटी मेंटेन करके रखिए घर में भर सिर्फ लेटे मत रहिए डेली अपना योगा प्राणायाम मेडिटेशन करो रिलैक्सेशन माइंड में स्ट्रेस कम रखना बहुत ज़रूरी है तीस मिनट के लिए एवरी वन नीड्स टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी जितना हो सके फिजिकली एक्टिव रहो अपनी उम्र के अनुसार चैलेंज योर ओन सेल्फ इन द फिजिकली एस्पेक्ट पानी खूब पीजिए जितनी आपको अलाउड है इसके अलावा जो घर में आपके हर्बल चीज़ें हैं जो भी तुलसी है दालचीनी है जिंजर है मे नो मुलेठी है मुनक्का है ये सब ले सकते हो गुड़ ले सकते हो लेमन जूस अच्छा है हल्दी बहुत अच्छी है ये सब आप डेली बेसिस पे जो खाना खाते हैं ये खाइए इट इज़ गुड राइट बट दिस इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट ये इम्यूनिटी के लिए अच्छा है तो याद रखिए ये सारी चीज़ें आपको आज से लेके आगे अनंत काल तक फॉलो करनी है अनंत काल तक फॉलो करने की कोशिश करिए जी नहीं कोरोना अनंत काल तक नहीं रहेगा साल भर तक रह सकता है दो चार महीने रह सकता है अभी हम पक्का नहीं बोल सकते लेकिन इसको फॉलो करना जरूरी है और फॉलो करवाना ज़रूरी है क्योंकि जितने आपके जान पहचान के लोग हैं उनसे आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों मिलोगे और कोरोना वायरस फैलने के लिए ये जरूरी है कि वो भी ये सब फॉलो करें इसलिए इमिडिएट ये सारी की सारी चीज़ें सबको 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 फॉलो करवाइए इसका पी का एक फॉर्मेट है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ओके okay, आप देख लेना उसको भी शेयर कर सकते हो थैंक यू सो मच आई होप यू लाइक द वीडियो और स्टे कनेक्टेड स्टे स्टेल्थ